Hello, my dear students. Welcome back to your social science class. We were reading chapter number 5 of Geography, The Rims of the Earth. We read about four rims of the Earth lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and biosphere. Lithosphere means sphere of rocks, atmosphere means sphere of air, hydrosphere means Sphere of water and biosphere means sphere of life. We read about two spheres in detail lithosphere and atmosphere. Now let's continue with our next topic hydrosphere, the rim of water. Hydrosphere refers to the layer of water on the surface of the earth. बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड आल्सो इन द एयर हाइड्रोसफेयर का मीन्स होता है लेयर ऑफ वाटर वो वाटर जो अर्थ के सरफेस पे है अर्थ के सरफेस के नीचे है या फिर एयर में है सभी तरह के वाटर को हाइड्रोस्फेयर में इंक्लूड किया जाता है वाटर कवर्स अबाउट टू थर्ड्स ऑफ द टोटल सर्फेस ऑफ द अर्थ अर्थ के टोटल सरफेस का टू थर्ड एरिया वाटर है दियर फॉर द अर्थ समाइम्स इज कार्ड द वाटरी प्लानिट इसी कारण अर्थ को कई बार वाटरी प्लानिट कहा जाता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई ओशन क्योंकि अर्थ का जो बहुत बड़ा भाग है वो ओशंस से घिरा हुआ है ढका हुआ है देर आर फाइव मेजर ओशंस पाँच मेजर ओशंस हैं वर्ल्ड में पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन इंडियन ओशन आर्कटिक ओशन एंड साउथर या अंटार्कटिक ओशन इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शेड्स इन पोलर रीजन्स एंड ऑन हाई माउंटेन्स वाटर पोलर रीजन्स में पोलर रीजन्स कौन से होते हैं एरिया एरियाज नियर द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पोल्स के पास वाले एरियाज में जो वाटर है वो आइस फॉम की आइस की शीट्स की फॉर्म में होता है एंड ऑन हाई माउंटेंस और हाई माउंटेंस पे जो वाटर होता है वो भी आइस की फॉर्म में होता है वाटर आल्सो अकर्स ऑन लैंड इन द फॉर्म ऑफ लेक्स एंड रिवर्स वाटर लैंड के ऊपर लेक्स और रिवर्स के थ्रू पहुंचता है प्लेन एरिया पे वाटर लैंड्स और लेक्स में पाया जाता है ओशियंस द ओशियंस कवर अबाउट सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ ओशियंस ने अर्थ सरफेस के टोटल एरिया का सेवेंटी वन परसेंट एरिया कवर किया हुआ है द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइव ओशियंस ज़्यादातर जो पानी है वो पाँच ओशन्स में पाया जाता है द पैसिफिक द एटलांटिक द इंडियन ओशन द आर्टिक ओशन एंड द साउथर्न जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है Let us लर्न मोर अबाउट ईच ऑफ दैन आओ अब हम इन सब के बारे में और जानते हैं फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशन दिस ओशन इज द लार्जेस्ट यह सबसे बड़ा ओशन है इट कवर्स अबाउट वन थर्ड ऑफ द अर्थ surface। इस ओशन ने अर्थ सरफेस के वन थर्ड एरिया को कवर किया हुआ है दिस ओशन इज़ सराउंडेड बाई फोर कंटिनेंट इस ओशन के चारों तरफ चार कंटीनेंट हैं इसके नॉर्थ की तरफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एशिया और अंटार्कटिक फोर कंटीनेंट हैं द पैसिफिक इज़ द डीपेस्ट ऑफ ऑल ओशन सभी ओशंस से गहरा ओशन है पैसिफिक ओशन द एवरेज डेप्थ ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ दिस ओशन इज़ अबाउट सेवेंटी थ्री हंड्रेड मीटर्स इस ओशन की जो एवरेज डेप्थ है गहराई है वो कितनी है सेवनटी थ्री हंड्रेड मीटर्स तक है तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन भी है और सबसे गहरा ओशन भी है ये चार कंटीनेंट्स से घिरा हुआ है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एशिया एंड अंटार्कटिक सेकेंड इज़ एटलांटिक ओशन इट इज़ अबाउट हाफ ऑफ द साइज ऑफ़ द पैसिफिक ओशन यह पैसिफिक ओशन के साइज से हाफ साइज़ का है इट कवर्स अबाउट वन सिक्स ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ इसने अर्थ के टोटल सरफेस के वन सिक्स एरिया को कवर किया हुआ है इट हैज़ टू डेवलप्ड कंटिनेंट्स ऑन इट्स टू साइड्स इसकी दो तरफ दो डिवलप्ड कंटीनेंट्स हैं दैट इज़ यूरोप इन द ईस्ट इसके ईस्ट की तरफ यूरोप है नॉर्थ अमेरिका इन द वेस्ट और वेस्ट की तरफ नॉर्थ अमेरिका है तो अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ दो डिवलप्ड कंटीनेंट हैं यूरोप ईस्ट की तरफ है और नॉर्थ अमेरिका इसके वेस्ट की तरफ है नेक्स्ट इज द इंडियन ओशन इस ओशन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है क्योंकि इस ओशन की बहुत बड़ी बाउंड्री इंडिया के साथ लगती है मतलब कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी बाउंड्री इस ओशन के साथ इतनी लंबी बाउंड्री हो तो इंडिया की बाउंड्री इंडियन ओशन के साथ लगती है इसी कारण इस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा इट इज स्मॉलर देन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन यह पैसिफिक और अटलांटिक दोनों ओशंस से छोटा है इट इज बाउंडेड बाय कंटिनेंट्स ऑफ एशिया अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इसके चारों तरफ कौन कौन से कंटिनेंट हैं एशिया अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हैं इट इज द ओनली ओशन विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री इंडिया ये एक सिर्फ अकेला ही ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से पड़ा हो वो कौन सी कंट्री है इंडिया नेक्स्ट है आर्कटिक ओशन दिस ओशन लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड हैज़ नॉर्थ पोल इन इट्स सेंटर यह ओशन आर्कटिक सर्कल में है और इसके सेंटर में नॉर्थ पोल है द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन मर्ज इनटू इट इन द नॉर्थ पैसिफिक और अटलांटिक ओशन नॉर्थ की तरफ इसमें मिल जाते हैं मर्ज हो जाते हैं एशिया यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका मेक देयर नॉर्थन बाउंड्रीज विद दिस ओशन इस ओशन के साथ एशिया यूरोप और नॉर्थ अमेरिका अपनी नॉर्थन बाउंड्रीज बनाते हैं द आर्कटिक ओशन रिमेन फ्रोजन फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर साल के ज़्यादातर दिनों में जो आर्कटिक ओशन है इसमें बर्फ जमी रहती है नेक्स्ट वन इज साउथर्न ओशन जिसे अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं द साउथर्न ओशन इज ए फोर्थ लार्जेस्ट ओशन अराउंड अंटार्कटिक साउथर्न ओशन अंटार्कटिक के चारों तरफ फोर्थ सबसे बड़ा ओशन है दिस ऑक्युपाइज अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द और एरिया ऑफ द ग्लोबल ओशन इस ओशन के पास ग्लोबल ओशन का लगभग ट्वेंटी परसेंट एरिया है सरफेस एरिया है तो साउथर्न ओशन को अंटार्कटिक ओशन कहा जाता है क्योंकि ये अंटार्कटिका के पास है इस ओशियन का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ट्वेंटी परसेंट है डेफिनेशन क्या होती है ओशियन की ओशियन इज एन ओशियन इज अ बॉडी ऑफ साल्ट वाटर ओशियन साल्ट वाटर का एक एरिया होता है विद नो बाउंड्रीज जिसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती एंड लिमिटलेस वॉल्यूम और जिसमें वाटर की कोई भी वॉल्यूम नहीं होती लिमिटलेस वाटर होता है इट इज़ द लार्जेस्ट वाटर बॉडी तो ओशियन लार्जेस्ट वाटर बॉडी होता है लास्ट इज स्फीयर ऑफ सॉरी स्फेयर ऑफ लाइफ जिसे बायोस्फेयर कहते हैं बायोस्फेयर मीन्स स्फेयर ऑफ लाइफ द बायोस्फेयर रेफर्स टू ए नैरो जोन विच इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस ओन द लैंड वाटर एंड एयर बायोस्फेयर एक नेरो जोन है जो अर्थ के सर्फेस के बिल्कुल पास है यह लैंड वाटर और एयर में है इट कम्प्राइजेज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम बायोस्फेयर में सब तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इट कंसिस्ट्स ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोसफेयर में प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है बायोस्फेयर एग्जिस्ट वेयर द अपर पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर द लोअर पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर कम इन टू कंटैक्ट विद वन अनादर जब लिथोस्फीयर का अपर पार्ट एटमोसफेयर का लोअर पार्ट और हाइड्रोस्फीयर तीनों कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ पे बायोस्फीयर एग्जिस्ट हो जाती है बायोस्फीयर बन जाती है बायोस्फीयर मीन्स फेयर ऑफ लाइफ ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्ट विद ईच अदर सभी प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं दे आर इंटर डिपेंडेंट फॉर देयर सर्वाइवल वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए लाइफ एग्जिस्ट ओनली अबाउट नाइन किलोमीटर अबव द अर्थ एंड अबाउट इलेवन किलोमीटर द ओशन सरफेस तो जो लाइफ है वो अर्थ सरफेस के ऊपर नाइन किलोमीटर तक पॉसिबल है और ओशन सरफेस के नीचे इलेवन किलोमीटर तक पॉसिबल है इट इज़ द स्फीयर वी आर फोर नॉन लिविंग एलिमेंट्स लैंड वाटर एयर एंड सनलाइट आर प्रेजेंट तो ये वो स्फीयर है जिसमें चार नॉन लिविंग एलिमेंट होते हैं लैंड वाटर एयर एंड सनलाइट the physical condition on the earth vary from place to place and are responsible for a variety of life forms on different parts of the earth. physical condition earth ki physical condition हर जगह पे अलग अलग होती हैं वो physical condition के कारण earth पे अलग अलग तरह के लाइफ पॉसिबल है वैरायटी ऑफ लाइफ पॉसिबल है अलग अलग तरह के जीव जंतु रहती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो वेरी इन देयर साइज एंड शेप इसी फिजिकल कंडीशन के कारण जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल होते हैं उनका साइज और शेप अलग अलग होती है दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज दे रिक्वायर ए सर्टेन हैबिटेट फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल तो वो हर जगह पे अलग अलग तरह से पाए जाते हैं अलग अलग वैरायटी में पाए जाते हैं क्योंकि हर एनिमल को और हर प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए अलग अलग नेचुरल इन्वायरमेंट की अलग अलग होम की नीड होती है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेंटेन ए बैलेंस इन ए रीजन सभी प्लांट्स और एनिमल्स एक एरिया में अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं इट इज़ द ह्यूमन बींग हु इंटरफेयर्स एंड क्रिएट्स इम्बेलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स ये ह्यूमन बींग्स ही होते हैं इंसान ही होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इज़ इंक्रीजिंग रेपिडली मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ह्यूमस की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में हमारे वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा स्पेस की नीड होती है ह्यूमेंस को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अर्बेनाइजेशन के लिए मतलब शहरीकरण के लिए होम बनाने के लिए तो इसी कारण से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ट्रीज़ को कट करते हैं फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं जिससे प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ डिस्टर्ब होती है मैन इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट केयरलेसली एंड एक्सप्लोइटिंग द रिसोर्स ह्यूमन बींग्स हैं जो मैन हैं वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नष्ट कर रहे हैं केयरलेसली बिना परवाह के और जिसके कारण से रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं वो वेस्ट हो रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ़ दीज एक्टिविटीज सेवरल प्रॉब्लम्स वर्क मर्ज बिफोर ह्यूमन बींग्स फॉर एग्जाम्पल सॉइल रोइजन फ्लड एटसेट्रा तो इसका क्या रिजल्ट निकला इसके परिणामस्वरूप बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हुई हैं राइज हुई हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल रॉयजन फ्लड एटसेट्रा की प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं डीफॉरेस्टी डिफोरेस्टेशन के कारण ट्रीज़ को कट करने के कारण बिसाइड्स दिस पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर हैज़ इंक्रीज़ बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसके अलावा एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन अपनी लिमिट को क्रॉस करके बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये अब कंट्रोल में नहीं रहा दस human beings are disturbing the natural environment. they are cutting trees. they are destroying natural home of animals. that's why human environment is disturbing and results in soil erosion, floods, etc. this was all about four spheres of earth. read about this in detail. for any query, you can contact me. thanks. Have a nice day.